Hello friends, welcome back to my channel Learn and Ninja with Pavni. So in this video we are going to paint. So हम मैंने अपनी ले ली है drawing book, आप भी अपनी ले लो. And मेरे colors Yuva company के हैं, as you can see. And मैंने लिए हैं one big brush and one minimum brush, small brush. ठीक है, मैंने ये two brushes लिए हैं, ये दोनों का ही हम काम करेंगे. So let's make our scenery. हम कुछ ऐसे सीनरी बनाने वाले हैं, हम कुछ सनसेट की सीनरी बनाने वाले हैं. सो लेट्स मेक, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ओपन कर लेते हैं अपने कलर्स. चलो बनाते हैं. सबसे पहले जो हम कलर लेंगे वो होगा रेड. रेड कलर को खोल कर आपको कुछ ऐसे रखना है. इस पर लिखा हुआ है, ये है रेड. हाँ, इस पर तो रेड ही लिखा हुआ है. इसके बड़े डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, इवन मुझे भी नहीं पता इतने तो. सो गाइस, मैंने अपना रेड कलर ले लिया है. एक ना आप छोटी सी ना कोली में ना थोड़ा सा पानी भी ले लेना, क्योंकि मेरे हैं पोस्टर कलर्स, पर मुझे वाटर कलर्स यूज़ करने थे. बट आई एम यूजिंग पोस्टर कलर. आप कोई भी पेंट कलर ले सकते हैं और पेंसिल कलर्स भी ले सकते हैं. एनी थिंग यू कैन टेक इन कलर्स. ठीक है, और मैंने यहाँ पर ले लिया है रेड कलर. तो हम तो ये रहा हमारा रेड कलर. हम थोड़ा सा लेंगे रेड कलर, हल्का सा सिलेक्ट दिस हमें ऐसे. और हमने हल्का सा ये वाटर में डिप करना है. एंड वाटर में इसको डिप करके विल स्टार्ट अप्लाइंग दिस. लाइक हमें हल्का सा इसको वाटर में डिप करना है. एंड विल स्टार्ट अप्लाइंग लाइक दिस. इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल. आप भी मेरे साथ साथ बना लो. सो गाइस, इतना सा हमें रेड कलर कर लेना है. एंड अब हम लेते हैं अपना ऑरेंज कलर. एंड ये मैंने ले लिया है अपना ऑरेंज कलर. और मैंने आपको कहा था ना इसके अलग अलग नेम्स होते हैं, इसका मैं आपको कलर बताती हूँ. उसका है वर्मिलियन. ऑरेंज का वर्मिलियन. चलो अब ऑरेंज पेंट करना स्टार्ट करते हैं. पहले उसका पेंट लेंगे एंड हल्का सा वाटर में डिप करेंगे एंड उसके बाद अप्लाई करेंगे. आप भी बड़े सॉफ्ट हैंड से पेंटिंग करनी है, थोड़ा सा भी जोर नहीं है. ठीक है ना, देखिए हल्का सा भी कुछ नहीं. बाय द वे गाइस, अगर आपको थोड़ी सी आवाज आए ना, वो एक्चुअली मेरे ब्रदर सिस्टर आए हुए हैं मेरे घर पे, तो थोड़ा उनके कारण थोड़ा शोर मच रहा है. पर आप और किसी आवाज़ पे इग्नोर कर देना. अब हमने थोड़ा सा ऐसे ऑरेंज ऑरेंज हल्का सा मिक्स करते जाना है. एंड हमने थोड़ा सा पानी लेते जाना है साथ साथ. सी, मैंने डॉट्स लगा दिए हैं ऑरेंज के. कितना प्यारा लग रहा है. फिर हम थोड़ा सा वाटर ले लेंगे. फिर हम इसको लेके हल्का सा करते रहेंगे जब तक इसका कलर नहीं खत्म होता. गाइस, आप भी मेरे साथ सब कर लो. और जब लास्ट में मेरी बन जाएगी ना, फिर आप मुझे बताना कि कैसी लगी आपको. और मुझे कमेंट्स में ये भी बता देना कि मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ. जब तक मैं बना रही हूँ तब तक आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल. सो हमने ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी कर दिया. अब हम करते हैं येलो कलर. सो लेट्स चेक. सो गाइस, ये हमारे येलो कलर का नेम है क्रोम येलो. क्रोम येलो. तो अब हम इतने पोर्शन पे येलो कलर कर देंगे. तो चलो करते हैं. इसके लिए हम थोड़ा सा येलो कलर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं. एंड फिर येलो कलर को कॉली में पानी में मीन्स डिप करके इसको हल्का हल्का अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. आप देख ही रहे हैं गाइस, कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. बाकी आप बताओ आपको कैसा लग रहा है. हमारी पेंटिंग ना बहुत लाजवाब होने वाली. तो
गाइस इसमें हमने अपने हल्के हल्के हाथ से पेंट करना है। ऐसे ही हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, हमारा ज़्यादा कलर भी नहीं वेस्ट होगा। आप भी मेरे साथ साथ करो, हल्का से इसको ऐसे ही कर जाना है, ऐसे ऐसे हल्का से इसको ऐसे करना है। गाइस जब तक मैं पेंट करूँ आप तब तक मुझे बताओ कि कमेंट में बताओ कि आपके मम्मा हाउसवाइफ हैं या जॉब करते हैं या क्या है आपके मम्मा। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इतनी इसकी पेंटिंग कर दी है, अब इसको पूरा हम कंप्लीट करेंगे। सो गाइस मैंने इतना ये कर दिया है, हम थोड़ा सा यहाँ तक और येलो करेंगे, देन ये नीचे वाला सारा ब्लैक पोर्शन कर देंगे। सो गाइस मैंने थोड़ा सा येलो पेंट कर दिया, अब जो नीचे का पोर्शन है वो हम ब्लैक से कर देंगे फिल। और गाइस मैंने आपको एक बात बतानी थी, मेरी तो समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, आप लोगों की समर वेकेशन कब से स्टार्ट हो रही है ये मुझे ज़रूर बताना। सो गाइस ये मैंने ले लिया है अपना ब्लैक कलर, सो अब जो नीचे का पोर्शन सारा बचा है उसे हम ब्लैक से कवर कर देंगे। सो चलो करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेंट लेंगे हम एंड वाटर में डिप करके इसको स्टार्ट करेंगे करना। आप भी मेरे जैसा करिए। सो गाइस ऐसे हम सारा ब्लैक पेंट कर देंगे। सो गाइस मैंने ये सारा ब्लैक पेंट कर लिया है, अब हम ब्लैक पेंट की हेल्प से अब हम डार्क ब्लू पेंट की हेल्प से यहाँ पे सीनरी ड्रॉ करेंगे। तो चलो हम अपना डार्क ब्लू पेंट ले लेते हैं। सो गाइस हमारे नेक्स्ट कलर डार्क ब्लू का नेम है कोबाल्ट ब्लू। सो अब हम इससे यहाँ पर सीनरी ड्रॉ करने वाले हैं, तो चलो ड्रॉ करते हैं। गाइस पहले हम कुछ ऐसा सा करेंगे कि हम बना रहे हैं ट्री। देन गाइस हम उसे फिल कर देंगे बीच में, आप चाहे तो फिल नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, पर मेरे तो फिल करके ज़्यादा अच्छा दिखेगा इसलिए मैं तो फिल कर रही हूँ। इसका ये हमने बनाया है एंड अब हम क्या बनाएंगे।
सो गाइस अब हम इसको ऐसे टर्न करके ऐसे इसको कर्व कर देंगे एंड लास्ट वन हम यहाँ बनाएंगे। कैसे लगे आपको? इसको हम थोड़ा डाउन कर देते हैं, ठीक है ना गाइस? सुंदर लग रही है ना? अब हम इसको भी पेंट कर देंगे। हम इसको पूरा पेंट कर देंगे। सो गाइस मैंने इसे कर दिया है अच्छे से फिल एंड अब हम थोड़ा सा वाइट कलर लेके इसको थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट देंगे। तो चलो मैं वाइट कलर ले लेते हैं एंड गाइस इस कलर का नेम वाइट है तो वाइट ही है, इसका कोई नेम ही नहीं है, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है नेम वाइट। तो अब हम इसको हल्की हल्की अब क्लीनिंग देंगे, स्टार्ट करेंगे आप क्लीनिंग देने। हम ऐसे ले लेंगे, आप थोड़ा थिन ब्रश लेना, मैंने अपना ब्रश चेंज कर लिया है एंड हम इसको प्यार से आउटलाइनिंग देंगे। बिल्कुल जल्दी ना मचाते, प्यार से आराम से इसको आउटलाइनिंग देंगे। ऐसे ही हमें सारे को आउटलाइनिंग देने, चलो देते हैं। सो गाइस मैंने इसको देती है वाइट कलर से आउटलाइनिंग एंड थोड़े से इसके बीच में वाइट कलर की लाइंस भी लगा दी है जिससे थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट आए। सो आप मुझे बताओ कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, आप सारी घर पे सेफ रहे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।